आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंडिकेटर्स पे, बहुत ही पॉपुलर रिबन है ये, मतलब इंडिकेटर है, मैड्रिड मूविंग एवरेज रिबन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर इसको किस तरह से यूज किया जाता है, दीज ये आपको जो लाइन दिख रहा है ना, ईच एंड एवरी लाइन इज ए मूविंग एवरेज, है ना। तो जैसे ये एक ट्विस्ट लेता है, मान के चलिए इस तरह से एक ट्विस्ट लेता है, और ये कंटिन्यूअसली मतलब एक फ्लो में ऊपर, इसको दरअसल ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अब एक स्टॉक पकड़ते हैं, लेट से इन्फी को अच्छा पकड़ते हैं, ये देखिए। तो इसका जो रूल होता है ये क्या है कि जब ये एक टर्न अराउंड लेता है ऊपर की तरफ, लेट से बियरिश टू बुलिश होता है, तो ये धीरे से होना चाहिए, एकदम नेरो रेंज से स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 ये जो रिवन है ये खुलता जाएगा, मतलब जो मूविंग एवरेज है ना ये अपने आप से एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और धीरे 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 ये खुलते जाएगा। तो ये मोमेंटम होता है, तो जब तक ये, अगर आपने मतलब यहीं पर कहीं पर अगर बाइंग पोजिशन लिया हुआ है, तो जब तक ये टर्न अराउंड ना हो, यानी कि इसके ऊपर ही हो, ये पूरा ग्रीन के ग्रीन हो, तब तक उस पोजिशन में रहना चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, अगर आप बिगनर हो, और जो जो हमेशा पूछते रहते हैं कि इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है, तो आप खुद भी इसको यूज करके आप समझ पाओगे कि नहीं, ये टाइम है एंट्री का, हाँ, और ये टाइम है एग्जिट का, आप इस तरह से समझ सकते हो। लेकिन अभी भी अगर हम लोग इन्फी को देखेंगे, तो इन्फी क्या कर रहा है कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। जब तक ये टर्न अराउंड ना हो, तब तक यहाँ पे बने रहना चाहिए। तो ये जो इंडिकेटर है इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और भी कुछ स्टॉक्स, कुछ रिलायंस को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका अगर आप लोग सेटिंग में जाओगे यहाँ पे, तो देख सकते हो कि एक्चुअली दीज आर ऑल मूविंग एवरेजेस, 5, 10, 15, 20, 30, 40, ये सबको मिला के एक रिवन टाइप का ये दिखता है। और जैसे ही आगे ये बढ़ता है, ये धीरे धीरे खुलता है, देखिए, और हर एक मूविंग एवरेज के अंदर एक सुंदर सा डिस्टेंस मेंटेन होते जाता है। तो जैसे ही जितना ये खुलते जाता है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ बाइंग इज इंक्रीजिंग, बायर्स का इंटरेस्ट और बाइंग इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब तक ये पूरी तरह से फ्लिप ना करे, तब तक यहाँ पे रहना चाहिए। ये एक सुंदर और इजी तरीका है अगर आपको इस पोजिशन पे रहना है तो, ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरे इंडिकेटर के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन इंडिकेटर पे चलेंगे, लीनियर रिग्रेशन चैनल। इसको बोलते हैं मिड बैंड, इसको बोलते हैं अपर बैंड, इसको बोलते हैं लोअर बैंड, ठीक है। तो एक लीनियर रिग्रेशन चैनल पे जब मार्केट चलता है, तो ये एक साइडवेज बिहेवियर करता है, यानी कि हमेशा ये लोअर बैंड से सपोर्ट लेता है, हायर बैंड से रिजेक्ट होता है, मिड बैंड पे थोड़ा बहुत खेलता है, फिर लोअर बैंड से फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है ना। तो इस तरह का ये चलता है, तो लोअर बैंड को हमेशा एक सपोर्ट की तरह देखा जाता है, और अपर बैंड को रेजिस्टेंस की तरह देखा जाता है। अगर ये कहीं किसी भी साइड पे ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर फिर से एक रिग्रेशन चैनल बनता है। चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं किसी दूसरे स्टॉक पे, ठीक है। लेट से इसको हम लोग अप्लाई करते हैं निफ्टी पे, ये देखिए ये रहा निफ्टी एसेंडिंग, इसको बोलते हैं एसेंडिंग रिग्रेशन चैनल। और जो जो ऐसे बनता है उस एक लिख लेता हूँ पहले, इसको बोलते हैं एसेंडिंग रिग्रेशन चैनल, और दूसरा होता है डिसेंडिंग रिग्रेशन चैनल। तो जब इस तरह का बनता है एसेंडिंग है, और जो ऐसा बने तो डिसेंडिंग है, एसेंडिंग डिसेंडिंग। तो यहां पे पहले था ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, देखिए यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ यहां से थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर लोअर बैंड के पास से सपोर्ट लिया, फिर अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी एक लिनियर रिग्रेशन चैनल पे मार्केट चल रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा ये दो इंडिकेटर को, आज के टॉपिक के लिए मैंने क्यों सिलेक्ट किया, द रीजन इज ये दोनों के दोनों इंडिकेटर जो हैं ये स्विंग्स के लिए यूज होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप मैड्रिड को देख लीजिए, मैड्रिड भी जहां से आपका रिबन खुलता है,
वहां से एंट्री होती है, और जहां से रिवन फिर से फ्लिप होता है नीचे की तरफ, वहां पे पोजीशन एग्जिट होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ऐसे ही ये जो है आपका लिनियर रिग्रेशन चैनल, लोअर बैंड पे हमेशा अगर सपोर्ट बनता है, थोड़ा सा प्राइस सेक्शन देख के, किसी बुलिश एनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, थ्री व्हाइट सोल्जर्स हो गया इस टाइप की, या फिर बुलिश पियर्सिंग पैटर्न हो गया, इस टाइप का जो प्राइस सेक्शन पैटर्न होता है, अगर वो लोअर बैंड पे बनता है तो उसको एक अच्छी एंट्री पॉइंट माना जाता है। और अगर रेजिस्टेंस में अगर आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार हमेशा बहुत ही अच्छा काम करता है अपर बैंड पे, तो वहां से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से फिर शॉर्ट साइड के लिए हमेशा प्लानिंग करना चाहिए, और लोअर बैंड से हमेशा लॉन्ग पोजिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो दोनों के दोनों इंडिकेटर्स जो है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और को लगाते हैं डावर, मैं बस रेंडमली लगा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए ये डावर, लोअर बैंड, लोअर बैंड ऊपर की तरफ गया नीचे, फिर यहां से सपोर्ट लिया, बुलिश एंगल्फिंग बनाया, फिर ऊपर की तरफ अपर बैंड से रिजेक्शन, मिड बैंड पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अगेन अपर बैंड से रिजेक्शन, फिर मिड बैंड को तोड़ा, अब लोअर बैंड के पास से फिर से ऊपर की तरफ स्विंग हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग बनता है, सो वी शुड बी रेडी फॉर ए लॉन्ग पोजिशन। तो इसको इस तरह से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर हमको पिंग कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है, मैं आपको, आप सबको पता ही है, या फिर आप व्हाट्सएप में भी अपना जो भी है क्वेरीज शेयर कर सकते हो। सो दिस मैट्रिक्स ड्रिवन एंड दिस लिनियर रिग्रेशन चैनल को थोड़ा सा आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इस वीकेंड पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।